आज का जो कमेंट है, क्या आपने मेरा जवाब नहीं दिया, मेरी कहानी उलझी हुई है, मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई 13 साल की उम्र में, 32 साल पहले, थोड़े दिन मेरे साथ, फिर पीहर में, ऐसा करते करते बच्चे हो गए, उनको पढ़ाया लिखाया हूँ, मैं मेरी माँ का एक ही बेटा हूँ, इसलिए मेरी माँ ने सारी जिम्मेदारियाँ उठा ली, बच्चों को संभालने पढ़ाने की, बस पत्नी आजाद हो गई, किसी भी बहाने से पीहर में रहने आ जाती तो साथ में संदेशा लेकर आती, सौतेली माँ है उसकी, कि कल फिर जाना है। फिर कुछ सालों बाद में परेशान हो गया और बिना वजह जाने विरोध करने लगा, पर वो झगड़ा करके जाती। फिर मेरी दो बेटियों की शादी 2014 में हो गई, 2015 में पत्नी झगड़ा करके पीहर चली गई। फिर मैंने सोचा अब नहीं रह सकता, तलाक लेकर दूसरी शादी करूंगा, केस डाला 2019 में, वापस आने का बोला, मैं ले आया। अब वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, वो मुझे मेरे बेटे की शादी की उम्र हो गई, वो मेरी माँ को जान से मारना चाहती है, मेरे नाम पर जमीन है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इसलिए उसका दूसरों के साथ मिलकर यही प्लान है। अब तलाक की सोचूं तो होगा नहीं, अब भगवान भरोसे हैं। आप क्या सुझाव देंगे इसमें? ये एक कमेंट आया है मेरे पास, काफी दिनों से ये मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। पत्नियों के लिए तो काफी वीडियो मैंने बनाया है, पति भी परेशान है, इसका रीजन क्या है, क्यों पत्नियां पति के ऊपर इतना जुल्म कर पाती हैं? देखो औरतें तो कमजोर होती हैं, लेकिन मर्द ताकतवर होता है, शरीर से भी और मानसिक तौर पे भी। लेकिन अगर पत्नी किसी मर्द के ऊपर जुल्म कर रही है तो देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो इसी बारे में आज वीडियो है हमारा, वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे बहुत खराब माना जाता है लेकिन फिर भी उसे पीने के लिए कहा जाता है? सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि इनका कमेंट है और इससे मैं समझ पा रही हूँ कि इनकी शादी कम उम्र में हो गई थी, इनकी शादी को 32 साल हो गए और इनके बेटा बेटी भी है जिनकी शादी हो चुकी है। इनकी पत्नी इन्हें बार बार इनसे झगड़ा करके अपने मायके चली जाती थी, ऐसा करते करते इनके बच्चे हो गए और इन्होंने बच्चों की शादी भी की, बच्चे इन्हीं के पास है, लेकिन पत्नी आजाद हो गई, माँ इनकी परवरिश करती है बच्चों की। अब जब पत्नी को पता है कि इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है तो वो अपने दोस्तों के साथ, इनका कहना है कि उसका शायद किसी से अवैध संबंध होगा, उनके साथ मिलकर प्लान बना रही है इनके बेटे और इनकी माँ को मारने का, ताकि उसे करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल जाए। इसका मतलब है कि वो औरत लालची है और इनका कहना है कि अब उसे तलाक भी नहीं ले सकते। अभी आपकी ज्यादा उम्र तो हुई नहीं होगी, 45 या 50 के लगभग होगी जैसा कि आपने बताया उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है, तलाक तो पूरी जिंदगी ले सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुने। देखिए, जब आपके इतने साल गुजर गए, आपने इतने साल सहते सहते बिता दिया, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर समझते रहे, औरत ताकतवर थी जिसने इतना सब कुछ करने के बाद भी झगड़ा कर कर के आपके यहाँ आती रही, केस आपने लगाया तो वो आने के लिए बोली, आप उसे वापस भी लेके आए, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहा होगा जिसकी वजह से आपको मजबूरी में उसे अपने घर लाना पड़ा। तो बहुत सारे घरों में ये सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम होती है। कहीं ना कहीं तो हमारे समाज का कानून है जो पत्नियों को सुरक्षा प्रदान करता है, कमजोर महिलाओं की ताकत है। अगर कोई महिलाओं पर अत्याचार करे उनके लिए कानून बनाया गया है, लेकिन कुछ महिलाएं इस कानून का गलत इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से पति मर्द होते हुए भी गुलामी की जिंदगी जीता है, क्योंकि उसे डर होता है कि पत्नी कहीं उल्टा केस ना कर दे, पत्नी कहीं उनके खिलाफ खानगी का, अत्याचार करने का, जुल्म करने का, दहेज का, ये सब केस ना लगा दे। इस डर के वजह से पति चुपचाप सहता रहता है। पर मैं उन महिलाओं को कहना चाहूंगी, जो महिलाएं ऐसा करती है ना, वो जिंदगी अपनी बर्बाद कर लेती है, इससे उन्हें सुख हासिल नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है,
आज के समय में कानून भी पति को भी मौका देता है अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अगर आपकी पत्नी गलत रास्ते पे चल रही है, उसके किसी के साथ अवैध संबंध है, नाजायज संबंध है, आपको बस उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना है। अगर आपके पास सबूत है, प्रूफ है, उसके बाद अगर आपकी पत्नी आपके खिलाफ कोई केस भी करती है, तो अगर आपके पास प्रूफ है उसके बदचलन होने का, तो कोर्ट भी आपकी मदद करेगी। इसके लिए आप वकील से सलाह ले सकते हैं। मेरे से अच्छा सलाह आपको वकील देगा। मैं बस इतना ही बता सकती हूँ कि ऐसी स्थिति में आपको एक बार वकील से मिलना चाहिए। अगर आपकी बातों में सच्चाई है, आपके ऊपर वास्तव में जुल्म हो रहा है, तो हर समस्या का समाधान है। अब बात आती है कि जुल्म आप सहते क्यों हो। तो पहली बात तो पत्नियां कानून का नाजायज फायदा उठाती हैं, और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं आप बच्चों के ऊपर मोह माया में फंस जाते हो कि मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ रहना चाहिए, इस वजह से आप पत्नी को स्वीकार करते हो। और इन्हीं सब चीज़ों का जो आप ये माया, मोह, प्यार ये सब दिखाते हो ना, एक मर्द को मोह माया से दूर रहना चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए। बच्चों के सामने कमजोर नहीं होना चाहिए। बच्चों को प्यार करना एक अलग बात होती है, पर माँ से ज्यादा प्यार बच्चों को अगर पिता करने लगे, माँ तो आजाद हो ही जाती है। कुछ माएँ होती हैं ऐसी जो अपने बच्चों तक की परवाह नहीं करती। अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका माइंड ऐसा होता है, उन्हें चीजें समझ में नहीं आती, वो पल भर की खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए किसी की परवाह नहीं करती। बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं, मैं सभी औरतों की बात नहीं करती, औरतें तो ऐसी होती हैं कि अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं कि अपने बच्चों तक को त्याग देती है अपने सुकून और अपने सुख के लिए। ऐसी माएँ माँ कहलाने के तो लायक नहीं होती हैं, लेकिन सबको अपने अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। तो मैं यहाँ आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप परेशान हैं तो भगवान भरोसे मत रहिए। एक ही जन्म मिला है, अपने आप को मजबूत बनाएं और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करें। यही एक ऑप्शन है आपके पास। और दूसरी बात कि आप जिस भी कमजोरी की वजह से उसका सह रहे हैं, उस कमजोरी को ख़त्म कर दें, क्योंकि कोई ना कोई कमजोरी इंसान की जरूर होती है जब दूसरा उसके ऊपर जुल्म कर पाता है। जो मजबूत होता है ना, जो ताकतवर होता है, उसके ऊपर कोई भी जुल्म नहीं कर सकता। अगर आपके साथ जुल्म हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई कमजोरी है। उस कमजोरी को पहचानो और उसको ख़त्म करो। आपको अपनी पत्नी से ज़्यादा ताकतवर बनना होगा, पैसों से तो हो ही। अब ये देखो कि आपकी पत्नी लालची है, लालच सवार है, ऐसे लालची व्यक्तियों के साथ कैसे आप रह सकते हो? भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते हो। लालची व्यक्ति को अपने किए कर्मों का सजा तो मिलेगा ही, साथ में आप उसके लिए अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप उससे छुटकारा लो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। क्यों घुट घुट के जी रहे हो, सोच सोच के परेशान हो रहे हो? आज के समय में अगर आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, तो आध्यात्मिक ज्ञान ही आपका मार्गदर्शन कर सकता है। सभी के लिए मैं यही सलाह देती हूँ, गीता पढ़ना शुरू करें, समझना शुरू करें। एक बार में नहीं समझ में आएगी, बार बार रोज पढ़ें, अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, तब आप अपने आप में ताकतवर हो पाओगे। कमजोर को तो हर कोई दबाता है, कमजोर के ऊपर तो हर कोई जुल्म करता है। इंसान खुश वही रह सकता है जो अपने आप को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाए। अगर इन तीन चीजों में से किसी भी एक चीज की कमी है आपके पास, तो कोई भी आप पे जुल्म कर सकता है, पत्नी ही नहीं, कोई भी कर सकता है। आप देखते हो जंगल में शेर ताकतवर होता है, उसके सामने हर जानवर झुक जाते हैं, क्योंकि उसकी ताकत के आगे। तो जो ताकतवर होता है दुनिया में, वही राज करता है। अगर आप खुशियां चाहते हो, आप जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहते हो, तो आपको तीन चीजों पे काम करना है। आर्थिक रूप से तो आप मजबूत हो ही, मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, तभी आप अपनी पत्नी का सामना कर पाओगे। और जहां सवाल है कि अगर कानून का गलत इस्तेमाल करती है, तो उसके लिए भी नियम कानून बने हुए हैं। आप उन कानूनों को समझो, वकील से बात करो, आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इस दुनिया में हर समस्या का समाधान है, अगर आप समस्या का समाधान वास्तव में चाहते हो तो। अगर आप मुझसे पर्सनल बात करके इस समस्या को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं, तो आप मेरी कॉल बुक कर सकते हो।
कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम पे एसएमएस करें या मुझे व्हाट्सअप करें, स्क्रीन पे आपको लिंक या नंबर मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप कितना समझ पाए हैं और आगे आपने क्या प्लान किया है, अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको कितनी प्रेरणा मिली है, कितनी शक्ति आई है आपके अंदर, कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें व्हाट्सअप फेसबुक के माध्यम से। रोजाना अगर आप हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।